बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात सोम इस्लामियात से बाब सोम उसवा हसना से सबक नंबर 1 पढ़ेंगे और इसका उनवान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसका हिस्सा दोम पढ़ेंगे, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा दोम जो है आपकी किताब में, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हजरे अस्वद की तंसीब, यानी खाना काबा की दीवार में जो हजरे अस्वद लगा हुआ है, नसब किया गया है, लगाया गया है, उसकी तंसीब किस तरह से हुई थी। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि हजर पत्थर को कहते हैं और अस्वद काले को, तो काला पत्थर जो खाना काबा की दीवार में लगा हुआ है यानी हजरे अस्वद, उसको किस तरह से नसब किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला का घर तामीर किया था जिसे खाना काबा कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करते वक्त इसके एक कोने में एक पत्थर लगा दिया था ताकि खाना काबा का तवाफ करने वालों के लिए ये निशानी का काम दे सके। इस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है, यानी तवाफ जो शुरू करना है वो भी खाना काबा की उस दीवार से हजरे अस्वद जिसमें लगा हुआ है उसके सामने से शुरू करना है, और यही निशानी है कि तवाफ का एक चक्कर मुकम्मल हो गया है तो वो उसी पत्थर तक आकर मुकम्मल होता है। तो इस तरह ये निशानी का काम भी देता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जन्नत का पत्थर है तो इस हजरे अस्वद की बहुत ज्यादा ताजीम भी की जाती है। कुरैश खाना काबा के निगरान और सरपरस्त थे, यानी मुंतजमीन थे, सारा इंतजाम जो है खाना काबा का वो चलाते थे। खाना काबा की इमारत पुरानी हो चुकी थी, सैलाब और बारिश ने भी इसे नुकसान पहुंचाया था, यानी इसमें बारिश का पानी इसके सेहन में खड़ा हो जाता था जिससे इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। इसलिए कुरैश के लोगों ने इसे नए सिरे से तामीर करने का फैसला किया, यानी ये फैसला किया कि इसे दोबारा से बनाया जाए। यानी बुनियादें तो बेटा हमेशा से ही खाना काबा की वही रही जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, हाँ उसके ऊपर इमारत जो है वो दोबारा तामीर की जाती रही। जब खाना काबा की नई तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश के दरमियान हजरे अस्वद को उस जगह पर रखने पर झगड़ा हो गया। तो जब तामीर मुकम्मल हो गई, यानी खाना काबा की इमारत जो है उसकी दीवारें जो है वो मुकम्मल हो गई, छत भी बन गई, तो इस बात पर झगड़ा हुआ कि हजरे अस्वद को कौन लगाएगा। तमाम अरब में ये बात थी कि हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद को उस मुकाम पर रखने की इज्जत उसे मिले, यानी ये मुकद्दम पत्थर है, बहुत एहतराम वाला, तो हर कबीला ये चाहता था कि ये पत्थर उस कबीले का सरदार रखे ताकि ये इज्जत मिले कि जी हजरे अस्वद जो है वो इमारत में हमारे कबीले के सरदार ने नसीब किया। ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि लोग लड़ने मरने पर तैयार हो गए, यानी वो तमाम लोग जिन्होंने मिलकर तमाम कबाइल ने इमारत तामीर की थी खाना काबा की, वो सब इस बात पर लड़ने लग गए कि हजरे अस्वद जो है वो कौन नसब करेगा। हर कबीले ने कसम खा ली कि ये काम वही करेगा। अब हर कबीला जो है वो कसम खा के कहने लगा कि ये इज्जत तो हम ही हासिल करेंगे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने तजवीज दी कि जो शख्स कल सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हुआ उसे इस झगड़े का फैसला करने का इख्तियार दिया जाएगा। सब लोग इस तजवीज पर राजी हो गए। यानी फिर एक बुजुर्ग जो थे बड़ी उम्र के, उन्होंने कहा कि अब झगड़ा इस तरह से निपटाया जाए कि कल सबसे पहले मस्जिद हराम में जो शख्स दाखिल होगा उसको कहेंगे इस झगड़े का फैसला करो, फिर वो जो भी फैसला करे उसे सब मान लेंगे। तो सब इस पर राजी हो गए। अल्लाह की कुदरत के दूसरे दिन सबसे पहले जो शख्सियत मस्जिद हराम में दाखिल हुई वो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखते ही सब लोग पुकार उठे, अमीन आ गए, हम इनके फैसले पर राजी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग सादक और अमीन कहते थे, तो वो खुश हो गए कि अब ये जो भी फैसला करेंगे वो सच्चा और अच्छा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़े का हाल सुना कि झगड़ा क्या है, फिर एक चादर मंगवाई, हजरे अस्वद को अपने हाथ से उठाकर चादर पर रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि वह चादर को एक एक कोने से पकड़े। सब ने मिलकर चादर उठाई और हजरे अस्वद को उसकी जगह ले आई, यानी जहां वो नसब होना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को अपने हाथ से दीवार में लगाया। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ इस झगड़े का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से सब खुश थे, इस फैसले की वजह से लड़ाई का खतरा टल गया। यानी हर सरदार इस बात पे खुश हो गया कि उसने बराबर की शिरकत की हजरे अस्वद को नसब करने में, यानी सब सरदारों के साथ उसने भी चादर को पकड़ा। गारे हीरा में इबादत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरब के लोगों को एक अल्लाह की बंदगी और तौहीद की तालीम दी थी। खाना काबा भी इसी मकसद के लिए तामीर हुआ था, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तमाम बुत तोड़कर लोगों को अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा था।
और इसी मकसद के लिए खाना काबा भी तामीर किया था, यानी अल्लाह का पहला घर ज़मीन पर बनाया गया था। मगर अरब के लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम को भुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। उनके ख्याल में बुतों को भी अल्लाह ताला जैसे इख्तियार हासिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरब के लोग जो हैं वो दोबारा बुत परस्ती की तरफ चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क और बुत परस्ती से सख्त नफरत थी, यानी आप बचपन ही से बुत परस्ती से नफरत करते थे, आपने कभी बुतों की पूजा नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना चाहते थे। यही वजह थी कि नबुवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुतों के पास नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला की बंदगी का सही रास्ता मिल जाए, यानी आप जो हैं वो कभी भी बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि नबुवत के ऐलान से पहले भी आप अल्लाह ताला की बंदगी का रास्ता ही तलाश करते थे और इसी मकसद के लिए आप गारे हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अरबी जुबान में हजर के मानी पत्थर और अस्वद के मानी काले के हैं। तो हजरे अस्वद यानी काला पत्थर जो नस्ब किया गया है खाना काबा की दीवार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहाँ कई कई दिनों तक इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ रहते। जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो घर वापस आते, खाने पीने का सामान लेते और दोबारा वापस गार में चले जाते, यानी वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करते रहते। एक दिन गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ताला के पैगाम को वही कहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। सबक से मुतल्लिका सवालात के जवाबात। सवाल नंबर एक है, हजरे अस्वद क्या है? जवाब है, हजरे अस्वद काला पत्थर है जो खाना काबा में लगा हुआ है। सवाल नंबर दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरब के लोगों को क्या तालीम दी? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरब के लोगों को एक अल्लाह की बंदगी और तौहीद की तालीम दी थी। सवाल नंबर तीन, खाना काबा की तामीर नए सिरे से क्यों की गई? जवाब है, खाना काबा की इमारत पुरानी हो चुकी थी, सैलाब और बारिश ने भी इसे नुकसान पहुंचाया था, इसलिए खाना काबा की नए सिरे से तामीर की गई। सवाल नंबर चार है, वही से क्या मुराद है? जवाब है, फरिश्ते अल्लाह ताला का जो पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम तक लाते थे उसे वही कहते हैं। सवाल नंबर पांच, हजरे अस्वद नस्ब करने पर झगड़ा क्यों हुआ? जवाब है, खाना काबा की नई तामीर मुकम्मल होने के बाद हर कबीले का सरदार हजरे अस्वद को उसकी जगह रखने की इज्जत चाहता था, इसलिए झगड़ा हो गया। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर कसीरुल जवाब बयानात हैं, इनमें से आपने दुरुस्त जवाब जो है वो चुनना है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। नंबर एक है, खाना काबा तामीर किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। जी, तो किन्होंने तामीर किया था पहले? जी, नंबर एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो इस पर आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर दो है, खाना काबा को नए सिरे से तामीर करने का फैसला किया अहले हबशा ने, अहले मदीना ने, कुरैश मक्का ने, अहले ताइफ ने। तो जीम दुरुस्त जवाब है, कुरैश मक्का ने। नंबर तीन, दूसरे दिन सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी, तो मस्जिद हराम में सबसे पहले उस दिन कौन दाखिल हुए थे? जी, नंबर एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अलिफ पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर चार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा खत्म करने के लिए मंगवाई चारपाई, चादर, कुर्सी, ईंट। तो क्या मंगवाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी, बेदुरुस्त जवाब है, चादर। तो चादर पे टिक का निशान लगाइए। नंबर पाँच, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे इबादतों गौर व फिक्र के लिए, पढ़ाई के लिए, तन्हाई के लिए, दुआ के लिए। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है, आप इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाते, उस पर आपने टिक का निशान लगा लेना है। खाली जगह पुर करें। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर ये खाली जगह पुर दी गई है, तो आइए इसे मुकम्मल करते हैं। नंबर एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के साथ इस झगड़े का फैसला किया। तो यहाँ पर क्या लफ्ज आएगा? हिकमत। हिकमत लिख के आपने ये खाली जगह पुर करनी है। नंबर दो है,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश थी कि अल्लाह ताला की बंदगी का सही रास्ता मिल जाए जी। क्या थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ख्वाहिश थी, यानी वो चाहते थे। तो ख्वाहिश लिखना है आपने यहाँ पर। नंबर तीन, हर कबीले के सरदार को कहा गया कि वो डैश का एक एक कोने से पकड़े। तो किस चीज़ को पकड़ा था उन्होंने जी? चादर को एक एक कोने से पकड़े। तो यहाँ चादर लिखा जाएगा इस खाली जगह में। नंबर चार, पहली वही के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र डैश साल थी जी। कितने साल थी? बिल्कुल ठीक, 40 साल थी। तो यहाँ हम 40 लिखेंगे। इस तरह से ये खाली जगह पूरी जो है वो मुकम्मल करेंगे।